नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम की कमजोरी और उनके ताकत के बारे में। आईपीएल 2021 के पहले मुकाबले से पहले आरसीबी टीम की यहां पर कमजोरी क्या है और उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, सारी बातचीत डिटेल में आगे इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि रोज़ाना अपडेट्स आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचते रहे। वही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां भी आप सभी को आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक अपडेट्स मिलती रहती हैं। बाई चांस आरसीबी टीम से जुड़ी अपडेट्स नहीं भी आती हैं तो आपको वहां पर क्रिकेट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो लगातार मिलती रहेंगी, तो भाइयों उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले बार यूए में अच्छी शुरुआत के बावजूद बिखरने वाली आरसीबी टीम इस बार नई शुरुआत की उम्मीद करेगी। कई शीर्ष और अच्छे खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद आरसीबी आज भी अपने पहले खिताब को तरसती रही है। दल में विराट कोहली जैसा कप्तान, एबी डिविलियर्स जैसा दिग्गज खिलाड़ी भी है, लेकिन टीम इन दोनों पर जरूरत से ज़्यादा निर्भर रहती है। ऐसे में कभी संतुलन स्थापित नहीं हो पाया है, इसलिए दोस्तों आरसीबी टीम जो है एक भी ट्रॉफी जीतने में नाकाम रही है। अब ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन जैसे खिलाड़ी जो है आरसीबी टीम से जुड़ गए हैं और आईपीएल 2021 में दोनों खिलाड़ी जो है आरसीबी टीम के लिए खेलते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। वहीं दोस्तों, आरसीबी टीम ने ऑक्शन से पहले 10 खिलाड़ी बाहर कर दिए हैं। वहीं 2020 में आरसीबी ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन आखिर में उसकी लय बिगड़ गई और लगातार 5 मैच गंवाने के बाद एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी टीम जो है हैदराबाद के हाथों हार गई और 2020 में उनका सफ़र जो है ख़त्म हो गया। इस बार टीम मैनेजमेंट ने नीलामी से पहले 10 खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया है और अपनी बल्लेबाजी गेंदबाजी को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। आरसीबी टीम की बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत नज़र आती है, जहाँ पर रन मशीन कोहली का आईपीएल में शानदार रिकॉर्ड भी रहा है और इस साल जो है वो ओपनिंग करने वाले हैं। कोहली पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वह पारी की शुरुआत करेंगे। उनके साथ दूसरे छोर पर देवदत्त पड्डीकल होंगे, जिन्होंने पहले सत्र में शानदार परफॉर्मेंस दिया था और अभी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं टॉप ऑर्डर में आरसीबी टीम के पास अच्छे ऑप्शंस के रूप में युवा बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन और फिन एलन भी होने वाले हैं, जबकि दोस्तों डिविलियर्स और मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी जो है मध्यक्रम को संभालते हुए दिखाई देंगे। सचिन बेबी डेनियल सैम्स, डेनियल क्रिश्चियन और वाशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर्स जो है आरसीबी टीम को यहाँ पर मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों, अब हम बात करें कि आखिरकार आरसीबी टीम की सबसे बड़ी ताकत क्या है। तो भाइयों, आरसीबी टीम के स्पिनर्स और उनके बल्लेबाज जो है टीम की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। टीम को अपने अधिकतर मैच जो है चेन्नई और अहमदाबाद के स्पिनरों के लिए मददगार विकेट पर खेलने हैं और ऐसे में आईपीएल में हमेशा सफल होने वाले चहल तुरुप का इक्का साबित होंगे। वाशिंगटन सुंदर पिछली बार की तरह इस बार भी पावर प्ले की जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, मैक्सवेल भी जो है अच्छी खासी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, 3 या 4 ओवर जो है आराम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दरकार पड़ने पर आरसीबी टीम के पास वहाँ पर एडम जैम्पा भी होने वाले हैं, जिन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, ये सभी खिलाड़ी जो है सभी स्पिनर्स आरसीबी टीम की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं, क्योंकि टीम को ज़्यादातर मैचेस जो चेन्नई में ही खेलने हैं। इसके अलावा दोस्तों, आरसीबी टीम के बल्लेबाज जो है उनकी बड़ी ताकत साबित होने वाले हैं, जहां पर दोस्तों पड्डीकल होंगे, कोहली होंगे, एबीडी होंगे और मैक्सवेल होंगे। ये चार खिलाड़ी जो है, चार बल्लेबाज जो है आरसीबी टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा रन करते हुए दिखाई दे सकते हैं हमें आईपीएल 2021 में। वहीं हम बात करें कमज़ोर कड़ी की, तो भाइयों हमेशा की तरह इस बार भी आरसीबी टीम की तेज़ गेंदबाजी जो है थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। हालांकि नवदीप सैनी और सिराज जैसे गेंदबाज जो शानदार फॉर्म में रहे हैं और इंडिया के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की है, मगर दोस्तों देखना यह होगा कि आईपीएल जैसे हाई प्रेशर वाले टूर्नामेंट में एक बार फिर से इनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, आईपीएल 2021 में आरसीबी टीम के लिए कैसी गेंदबाजी करते हैं। वहीं जेमिसन के टीम से जुड़ने के बावजूद आरसीबी टीम का तेज गेंदबाजी विभाग जो है कमज़ोर नज़र आता है। नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज को सफ़ेद गेंद से गेंदबाजी करने का अनुभव जो है कम है और वे अक्सर जो है रन लुटा देते हैं। जेमिसन भी टी20 में संघर्ष करते रहे हैं और उन्हें भारत में खेलने का अनुभव नहीं है। वह तेज गेंदबाजी विभाग में हर्षल पटेल तथा ऑस्ट्रेलियाई तिकड़ी क्रिश्चियन डेनियल सैम्स और केन रिचर्डसन इनके साथ अच्छे विकल्प रहने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, आरसीबी टीम के बल्लेबाजों को अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। टीम के पास मैक्सवेल और डिविलियर्स जैसे बिग हिटर हैं। मैक्सवेल की फॉर्म पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। यदि वह कोहली और डिविलियर्स के साथ मिलकर के अपना पूरा योगदान देते हैं तो वह तिकड़ी किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन पाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आरसीबी टीम की कमजोरी और उनकी ताकत को लेकर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।